नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी के जितने भी शिफ्ट हुए हैं फेज वन में, जो 28 दिसंबर से लेके आपका एग्जाम चला था 13 जनवरी तक जो भी एग्जाम चला है, सभी के क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में और एक एक शिफ्ट के क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं बता दूं कि बाकी शिफ्ट के क्वेश्चन कहां आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे मैंने दोस्तों 7 जनवरी शिफ्ट 1 तक के क्वेश्चन मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। यहां पे मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आपको कुछ नहीं करना है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है और यहां पे देखिएगा सेकंड प्लेलिस्ट यहां पे शो कर रहा होगा। यहां पे देखिएगा व्यू ऑल प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहां पे जब क्लिक कीजिएगा आप, तो आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे यहां पे, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं। फिलहाल हम 7 जनवरी 2021 के शिफ्ट टू के क्वेश्चन पेपर को हम यहां देखेंगे, ठीक है ना। शिफ्ट टू के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे यहां पे और उसके बाद हम जितने भी शिफ्ट होंगे सभी के एक इसी वीडियो में पूरे के पूरे शिफ्ट को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं, भारतमाला प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर थ्री, हरियाणा में न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम क्या है। तो गोरखपुर हरियाणा अनु विद्युत परियोजना। आगे देखिएगा, नेपाल के राष्ट्रपति कौन है। तो विद्या देवी भंडारी। भूगोल के पिता कौन है। तो एरिस्टोटेलेस। यूआरएल का फुल फॉर्म सभी को पता है, यूनिसोर्स रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म होता है, सॉरी। आगे देखिएगा, यूनिक्स लिनक्स और मैक ग्राफिक्स में से अलग कौन सा है। तो ग्राफिक्स क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ग्राफिक्स क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा बाकी तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में। प्रथम रेलवे, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इसे, ठीक है। जूम करूंगा तो शायद अच्छे से दिखेगा और थोड़ा जूम हो सकता है, हाँ। अब देखिएगा, आगे पूछा गया आपसे कि प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। तो वडोदरा गुजरात में स्थापित किया गया। आर्गन हीलियम नियॉन और सोडियम में से कौन सा अलग है। तो सोडियम अलग होगा, बाकी सब इनर्ट गैस है, नॉबल गैस है। आगे देखिएगा, भारतीय स्वास्थ्य ग्रामीण योजना का शुरुआत कब हुआ था। तो 2005 में हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद क्वाटाज किससे संबंधित है, किस प्रकार का चट्टान है। ये जो है ना क्वाटाज जो है रूपांतरण, ठीक है, रूपांतरित चट्टान है। उसके बाद जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो कोशिका होती है। घरेलू मक्खी का साइंटिफिक नाम क्या होता है, तो मुस्का डोमेस्टिका होता है। उसके बाद आगे पूछा गया है कि यदि चीन का संबंध बीजिंग के साथ है तो ब्राजील का संबंध क्या होगा। तो ये आपसे पूछा गया, तो ब्राजीलिया हो जाएगा क्योंकि चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग होती है। नौचार का सूचांक 2019 में भारत की स्थिति, नौचार सूचांक 2019 में भारत की स्थिति कितनी है, 52 नंबर पे है भारत है। उसके बाद देखिएगा मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, तो मास इनटू में वेलोसिटी होता है, मोमेंटम। इसी चीज को मैंने हिंदी में लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को मोमेंटम बोला जाता है। आगे देखिएगा, एशियन गेम 2018 किसने 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। तो राही सर नोबत ने जीता है 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक। भारत की महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, के वेणुगोपाल। आगे देखिएगा, स्वीडिश एकेडमी का संबंध किससे मतलब किसके साथ है, तो नोबेल पुरस्कार के साथ है, स्वीडिश एकेडमी, यही नोबेल पुरस्कार देता है यही इंस्टीट्यूट। आगे देखिएगा, अशोक द्वारा लिखा गया पहला शिलालेख कौन है। तो ब्राही लिपि में उन्होंने पहला शिलालेख लिखा था अशोक ने। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा कंपनी महारत्न कंपनी है, तो महारत्न कंपनी हो जाएगा। ये देखिएगा, महारत्न कंपनी का मैंने लिस्ट निकाल दिया है, आप इनको देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये महारत्न कंपनी है। उसके बाद देखिएगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब सेल होता है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। तो वहार मिहिर, ठीक है ना, वहार मिहिर। 2019 का आम बजट किसने पेश किया था, तो निर्मला सीतारमण ने। संविधान के गठन के समय कितने आर्टिकल थे, तो 395 आर्टिकल थे। इनमें से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है, तो हरियाणा की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। किस देश में पीले वनों का आंदोलन शुरू किया था, फ्रांस ने पीले वनों का आंदोलन शुरू किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता कौन है, तो जॉन मैक
मैका थी। उसके बाद देखिएगा ओपेक का मुख्यालय कहाँ, वियना में है ओपेक का मुख्यालय। सेतु राम योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। बालाकोट में हवाई हमलों के दौरान किन बमों का प्रयोग किया गया था, स्पाइस 2000। स्पाइस तीन तरह के बम होते हैं, इसके एक होता है स्पाइस 1000 होता है, एक स्पाइस 2000 जो कि बालाकोट के सर्जिकल स्ट्राइक में जिसका यूज किया गया था, और स्पाइस 250 होते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में
से निकलता है तो कोयला से चालित विद्युत ताप संयंत्रों से निकलता है, जो कोयला से चलता है जो भी इंजन उससे निकलता है सबसे ज्यादा कार्बन। सत्येंद्र नाथ बोस किस विषय में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे, तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया था। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद देखिएगा आगे, फानी तूफान कहाँ आया था, तो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में आया था, जो कि उड़ीसा में है, और उड़ीसा में भी आया था और पश्चिम बंगाल में भी आया था, ठीक है। फानी तूफान में ऐसे बोलने में थोड़ा गलती हो गया, तो ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली ट्रेन किन दो स्थानों में चलाई गई थी, तो 1853 में चलाई गई थी मुंबई से के बोरी बंदर स्टेशन से छत्रपति शिवाजी के बीच थाने के बीच, ठीक है। आगे देखिएगा, सूरत सेशन कब हुआ था, तो कांग्रेस सूरत सेशन 1907 कांग्रेस विभाजन। आगे देखिएगा, फुल फॉर्म ऑफ फोटोन फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद भोपरे होता है। भारत किस राज्य में सबसे ज्यादा कोयले का भंडार करता है, तो झारखंड हो गया। आर्टिकल 14 क्या होता है, तो समानता का अधिकार होता है। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल क्या होता है, लियोन्स फ्रांस होता है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इन वर्ल्ड बैंक होता है अंशुला कांत होता है। दूर संचार का सबसे संवैधानिक पदों में भारत कौन सा है, तो उपराष्ट्रपति है। दूर संचार का सबसे ऊंचा संवैधानिक पद कौन सा है, नहीं सॉरी गलती हो रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना, और जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में मैं कुछ भी यहाँ गलती बोल दे रहा हूँ, सॉरी। दूसरा सबसे ऊंचा संवैधानिक पदों भारत में कौन सा है, तो दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा है, उपराष्ट्रपति का। सबसे पहला होता है राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, जो कि सभापति भी होते हैं राज्यसभा के। आगे देखिएगा, ओम बिरला किसके लोकसभा के सभापति है, और बीजेपी से संबंधित है। जो भी पार्टी लोकसभा में बहुमत वाला होता है ना, उसके के उसमें से एक नेता चुना जाता है लोकसभा का स्पीकर। सिंधु नदी डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है, तो व्यास नदी में पाई जाती है, जो कि सिंधु नदी डॉल्फिन होती है वो व्यास नदी में पाई जाती है। लोपाक्षी मंदिर समर्पित है भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, भगवान वीरभद्र को समर्पित है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। जोनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है, जोनबिल मेला किस राज्य का होता है, तो असम में गुवाहाटी। इनमें से कौन सा गैर संक्रमण रोग है, तो रक्तचाप जो है गैर संक्रमण रोग है। भारत का पहला थर्मल पावर प्लांट है किस राज्य में स्थापित किया गया, तो अमरावती में स्थापित किया गया। आगे देखिएगा, आर्य समाज के संस्थापक कौन है, महर्षि दयानंद है। ब्राजील की राजधानी क्या है, तो ब्रासिलिया है। उसके बाद देखिएगा, सूचना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का आरोग्य सेतु का विकास किया था, आरोग्य सेतु का विकास कौन किया था, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ये पूछा गया था, ये पूछा भी जाएगा। आगे देखिएगा, पवन चक्की का उत्पादन 2019 में किस राज्य शीर्ष पे है, तो तमिलनाडु शीर्ष पे है पवन चक्की से बिजली उत्पादन के क्षेत्र में। आगे देखिएगा, मिली बॉबी ब्राउन को सबसे युवा यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर नामित किया गया, ठीक है, तो ये पूछा गया। मिली बॉली को सबसे युवा यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर नामित किया गया, ठीक है, तो मिली बॉबी का नाम याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है आगे वाले शिफ्ट में। ट्रस्ट विथ डेस्टिनी किसके द्वारा लिखा गया, तो प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा लिखा गया है। फंक्शन एडिट की क्या होता है, एक्सेल में F2 होता है, याद रखिएगा F2 होता है। भारत में सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादक कौन है, उत्पादक और प्राकृतिक गैस का उत्पादक कौन सी कंपनी है, तो महारत्न कंपनी ONGC, ठीक है। आगे देखिएगा, पवन हंस लिमिटेड किस प्रकार की कंपनी है, तो सरकारी कंपनी है। पहला तेल कुआ भारत में कहां खोजा गया था, तो 1889 में डिगबोई असम में खोजा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बल की इकाई क्या होती है, तो बल की इकाई न्यूटन होती है। विटामिन B12 की किसकी कमी से होती है, तो एनीमिया की कमी से होती है। आगे देखिएगा, यदि एक तार का तापमान बढ़ा दिया जाता है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि V=IR होता, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय कहाँ पे है, तो गुजरात में। आगे देखिएगा, आवर्त सारणी में सबसे कम प्रतिक्रियाशील कौन सी तत्व है, तो नोबल गैस होती है। आवर्त सारणी में सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व होता है नोबल गैस होता है। आगे देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो सैयद अहमद खान है। उसके बाद देखिएगा, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, तो कंप्यूटर वायरस आपको पता है कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है, सभी को पता है। आगे देखिएगा, तितली शब्द किस खेल से संबंधित है, तो तैराकी से संबंधित है। आगे देखिएगा, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो 1916 में पहला महिला विश्वविद्यालय भारत में स्थापित किया गया था। हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है।
उसके बाद देखिएगा आगे, यहाँ पे हमने देख लिया लगभग पूरा क्वेश्चन। अब हम देखेंगे 9 जनवरी 2021 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, तो पेरिस में है। दंत चिकित्सा में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का। यदि नागालैंड कोहिमा है तो मणिपुर का संबंध किसके साथ है, तो मणिपुर की राजधानी आप लोगों को बताना है, शायद दिसपुर है ना, कमेंट करके मुझे बताइएगा। भारत के किस नदी में सबसे ज्यादा पानी है, तो गंगा नदी में है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल कहाँ आयोजित किया गया था, तो सभी को पता है इंग्लैंड एंड वेल्स में, मतलब इंग्लैंड और उसके सहयोगी देश से मिलकर इसको आयोजित किए थे, आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, ये सब देश मिलकर। आईसीसी 2019 वर्ल्ड कप का मेजबानी किस देश ने किया था, तो इंग्लैंड एंड वेल्स ने किया था। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया गलती से। 45वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। उसके बाद व्हाट इज द रीजन ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। ताशकंद समझौता किस राजनेताओं के बीच हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में हुआ था। जर्मनी की मदद से कौन सा पावर प्लांट बनाया गया, तो रॉयल किला। आगे देखिएगा उड़ीसा में, इनमें से कौन सा नदी समुद्र में नहीं मिलता, तो यमुना समुद्र में नहीं मिलता है। आगे देखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 असम के सादिया धुबरी के क्षेत्र के बीच में स्थित है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पूछा गया कि भारत में कितने जलमार्ग हैं, तो 111 जलमार्ग हैं, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ स्थित है, तो असम के सादिया धुबरी में स्थित है, ठीक है। और 2016 के अनुसार जलमार्ग घोषित किया गया था, इसके 9 अस्थायी टर्मिनल देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे है ये स्थित, ठीक है। आगे देखिएगा विश्व के 6 स्थान पे सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। 7 नंबर पे कौन सा हमारा भारत है, 8 नंबर पे कौन सा अर्जेंटीना है, 5 पे शायद ब्राजील है, 6 पे आप लोग बताइएगा कमेंट करके। आगे देखिएगा अल्ट्रा वायलेट किरण से हमें कौन बचाता है, तो ओजोन परत बचाता है यूवी रे से। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एक्ट कब लागू हुआ था, तो 2000 में लागू हुआ था इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। उसके बाद देखिएगा 1857 के व्यक्ति भारत का कौन सा व्यक्ति 1857 का वायसराय था, गवर्नर था, तो लॉर्ड कैनिन था, ठीक है। आगे देखिएगा स्पेस रिसर्च में इंडिया ने किसके साथ समझौता किया, तो फिनलैंड के साथ समझौता किया इंडिया ने स्पेस रिसर्च में। राइबोसोम कैसे बनता है, तो राइबोसोम एक जटिल आणविक मिशन मशीन है। देखिएगा थोड़ा सा गलती हुआ है, जो जीवित कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण नामक क्रिया में अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करता है राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण जीवित कोशिकाओं द्वारा किया जाने वाला प्रमुख कार्य है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे, वियना में है, ऑस्ट्रिया में है, जो वियना ऑस्ट्रिया। उसके बाद 2019 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो आबी अहमद को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, इथोपिया के, ये प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है। आगे देखिएगा मुझे लगता है प्रधानमंत्री है शायद। आयुष भारत किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो आयुष भारत झारखंड की राजधानी रांची में लॉन्च किया गया आयुष भारत को। व्हाट इज द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो हिस्टोरिकल शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट से इसका संबंध है डेमोग्राफ का, ठीक है। आगे देखिएगा इंडिया रैंकिंग कम्पिटिटिव इंडेक्स में कितना है, 43वें नंबर पे। प्रतिस्पर्धा सूचांक में भारत का 43वां नंबर रैंक है। उसके बाद भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां, तो 6 अनुसूचियां है भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां है। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ के लेखक कौन है, तो सबा नकवी है। उसके बाद जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, Mark 3 होता है। आगे देखिएगा जीएसएलवी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। आगे देखिएगा वयस्क मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 होती है, शुरुआत में 300 से भी ज्यादा हड्डियां होती है। आगे देखिएगा बट अडल्ट इंसान में 206 हड्डियां होती है। आगे देखिएगा विनर ऑफ एटीपी टूर्नामेंट 2020, तो कौन है, नाम देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, एटीपी टूर्नामेंट 2020। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में जो खाते खोले गए उनका नाम क्या है, तो सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी पूछा गया आपसे। विशाल गिलहरी
किस राज्य की राजकीय पशु है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। छुई मुई का पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? मीमोसा पुडिका, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पूछा गया है। फुल फॉर्म ऑफ OCR, OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन होता है, उसको मैं कैपिटल कर देता हूँ क्योंकि जो फुल फॉर्म होते हैं ना वो कैपिटल में होते हैं। OCR, आगे देखिएगा। विच कंपनी मेड VGA ग्राफिक्स? तो IBM PS2 ने बनाया था VGA ग्राफिक्स, ठीक है। आगे देखिएगा, वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है इसका फुल फॉर्म, ये भी पूछा जा सकता है। हाउ मेनी मेंबर ऑफ OPEC? 13, ये भी पूछा गया है। OPEC के कितने सदस्य है? तो 13 सदस्य है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। इस मच्छर का नाम पूछा गया था, मादा एनाफिलीज मच्छर। आगे देखिएगा, 1857 की क्रांति के वक्त मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर, जिसे खत्म होने के बाद, जो क्रांति था उसे खत्म होने के बाद कुछ मंगोल की रंगोल भेज दिया गया था, ठीक है, रंगोल भेज दिया गया था इनको, ठीक है, वहां पे ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी। आगे देखिएगा, पुलवामा अटैक कब हुआ था? तो 14 फरवरी 2019 को हुआ था। प्रणव मुखर्जी 2019 में कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध कौन से राज्य के साथ है? तो गुजरात के साथ है श्वेत क्रांति का संबंध। आगे देखिए, भद्रा वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कर्नाटका में स्थित है। मुंबई का ताज होटल किसने बनाया था? तो जमशेदजी टाटा ने बनाया था। 1 KB का मतलब क्या होता है? 1024 बाइट होता है। उसके बाद अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो गुरु रामदास गुरु अर्जुन देव ने बनाया था। उसके बाद गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा था? तो अरुंधति रॉय ने लिखा था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। उसके बाद कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी, ये भी पूछा गया था, जो कि कोलंबिया शटल से गई थी। 2003 में उनकी जो एयरक्राफ्ट था वो क्रैश कर गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनका जन्म हरियाणा में हुआ था, 1962 में करनाल में हुआ था। आगे देखिएगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? चौरा चौरी के घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक है, तो ये घटना का नाम पूछा गया था। 1973 में बाघों के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया था? तो प्रोजेक्ट एक्ट बनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। भारत में सभी सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। और बिपिन रावत CDS के प्रमुख है। किसी देश के विकास के लिए क्या जरूरी होता है? GDP होता है। आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। ATP टेनिस रैंकिंग में सर्वोच्च खिलाड़ी कौन है? तो नोवाक जोकोविच है। उसके बाद वर्टिकल लाइन इन पीरियोडिक टेबल इज नोन एज क्या कहलाता है? तो ग्रुप कहलाता है या फैमिलीज कहलाता है, ठीक है। जो वर्टिकल लाइन होता है, जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, उसको क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं, ठीक है। 18 ग्रुप 7 पीरियड होते हैं ना। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा मिश्र धातु है? तो ये पूछा गया था। तो मिश्र धातु कौन सा है? कांसा है। उसके बाद पूछा गया कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? तो CPU होता है, शासन। श्वसन के दौरान ऊर्जा का उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज किस में परिवर्तित होता है? तो ATP में परिवर्तित होता है, ये शायद ऊपर भी क्वेश्चन था। आगे देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर प्रोटोकॉल? टू TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म। विच कोल हैज मिनिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन? तो एंथ्रासाइट होता है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इसमें होता है, इस कोल में। आगे देखिएगा, हु डिड द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, मतलब किसने सबसे पहला जो हृदय होता है ट्रांसप्लांट किया था, सबसे पहले किसने किया था? तो देखिएगा, क्रिस्टियन बार्नार्ड, देख लीजिएगा नाम, इंपॉर्टेंट नाम है। आगे देखिएगा, वर्ल्ड टर्टल मतलब विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। और उसके बाद विच आर्टिकल इज रिमूव फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 370 होता है, आर्टिकल 370। चिनाबार क्या होता है? तो मरकरी होता है, मरकरी का मेटल होता है चिनाबार। स्मेल ऑफ रॉटन एज मतलब सरे हुए अंडे की कुछ जो बदबू होती है वो किसके कारण होती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के कारण, H2S के कारण, ठीक है। आगे देखिएगा, विच स्टेट हैज गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द 5T प्रोग्राम ड्यूरिंग COVID-19? तो दिल्ली में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, 5T प्रोग्राम,
कोविड-19 के दौरान। विच फ्यूल इज यूज इन रॉकेट, रॉकेट में कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है, तो लिक्विड हाइड्रोजन को यूज किया जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ नॉवल लाइफ ऑफ पाई, तो यान मार्टेल, ठीक है, लाइफ ऑफ पाई के लेखक है। उसके बाद देखिएगा उपन्यास लाइफ ऑफ पाई। वर्ल्ड ऑर्गेन डोनेशन डे कब होता है, तो 13 अगस्त को होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गेन डोनेशन डे। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन 1902, तो थॉमस रेली। आगे देखिएगा 5 मार्च 2020 विच कंट्री मेड ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री, तो यहां देखिएगा लक्समबर्ग, ठीक है। आगे देखिएगा ICICI बैंक सीईओ कौन है, तो संदीप बक्सी है। उसके बाद देखिएगा क्या देखिएगा नौखासी फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, तो उड़ीसा में, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लो लैंड ऑथर कौन है, तो झुंपा लहरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। लो लैंड ऑथर, लो लैंड के लेखक है झुंपा लहरी। उसके बाद यंगेस्ट लोकसभा एमपी है चंद्रानी मुर्मू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पे है, तो बिहार में है। उसके बाद अंबुबाची फेस्टिवल जो होता है गुवाहाटी असम में होता है। उसके बाद फाउंडर ऑफ ए हाइड्रोजन हर्नी कैवेंडिस, ठीक है, हेनरी कैवेंडिस, ठीक है, फाउंडर ऑफ हाइड्रोजन है। आगे देखिएगा लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है इन इंडिया, मोटेरा स्टेडियम, जिसमें ट्रंप आए थे, गुजरात में ये अहमदाबाद में शायद मोटेरा है। और उसके बाद डायनेमो का इन्वेंटर कौन है, तो माइकल फैराडे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। इंडिया फर्स्ट मैन स्पेस फ्लाइट कौन है, गगनयान, मतलब भारत जो अंतरिक्ष में जाने वाला है उस मिशन का नाम क्या है, तो गगनयान मिशन, जो कि 2022 में शायद लॉन्च किया जाएगा। आगे देखिएगा आगे पूछा गया है चंद्रयान 3 2021 में भेजा जाने वाला, मतलब इसी साल भेजा जाएगा चंद्रयान 3। उसके बाद देखिएगा कनाडा एंड यूएस बॉर्डर नेम इंटरनेशनल बाउंड्री, कनाडा एंड यूएस बॉर्डर नेम इंटरनेशनल बॉडी बाउंड्री पूछा गया यहाँ पे, तो आगे देखिएगा। आगे पूछा गया नीति, यहाँ देखिएगा ये जो शिफ्ट का क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये 10 तारीख का क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी भी दोस्तों बहुत क्वेश्चन बाकी है यहाँ पे, तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखेंगे। एनटीपीसी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 एनालिसिस है, ये मतलब जीके के क्वेश्चन का रियल क्वेश्चन है, और 10 जनवरी 2021 के। नीति आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे, नरेंद्र मोदी थे चेयरपर्सन नीति आयोग के। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी सम्मेलन की थीम क्या थी, तो क्लाइमेट एक्शन 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में मनाया गया शायद। आगे देखिएगा क्रोएशिया का सर्वोच्च व्यक्तिगत पुरस्कार किसको दिया गया, तो रामनाथ कोविंद को दिया गया। तानसेन संगीत की शैली के तानसेन की संगीत शैली क्या थी, तो ख्याल और ठुमरी, तो ये भी पूछा गया था। पीली क्रांति का संबंध किसके साथ है, तिलहन उत्पादन के साथ है। उसके बाद इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा विभाग कौन सा है, तो इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी 1957, तो यही पूछा गया था आपसे। आगे देखिए कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, तो गुवाहाटी असम में स्थित है। कुश्ती में न्यूयॉर्क में सबसे पहला टाइटल किसने जीता था, तो बजरंग पुनिया ने जीता था। उसके बाद देखिएगा कौन सी फसल द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाया जा सकता है, तो दलहन से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाया जा सकता है। हाउ टू कनेक्ट टू डिजिटल डिवाइस, यूएसबी से 2 डिजिटल डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद देखिएगा कलेक्शन ऑफ डेटा क्या कहलाता है, सेम टाइप ऑफ डेटा एरे कहलाता है। उसके बाद कॉपर ऑफ जिंक के मिश्रण को क्या कहा जाता है, पीतल होता है कॉपर और जिंक के मिश्रण। कल्पक्कम पावर प्लांट का नाम क्या होता है, मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट होता है, MAPS होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था शायद, तो ये मद्रास मतलब चेन्नई में है। आगे देखिएगा क्या पूछा गया, व्हाट इज द नेम ऑफ टंग रिसेप्टर, ठीक है, तो देख लीजिएगा गोस्ट्री देख लीजिएगा सेल, ठीक है, मैं बायो उतना अच्छा नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। आगे देखिएगा पुना समझौता किनके बीच में हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। आगे देखिएगा वर्ली चित्रकला का संबंध किस राज्य के साथ है, तो महाराष्ट्र के साथ कौन सा चित्रकला का संबंध है, वर्ली। भूजल का उपयोग सबसे कम खेती के लिए कौन सा राज्य करता है, तो मध्य प्रदेश करता है भूजल के लिए। आगे देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 31 दिसंबर 1600 को हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना।
टीन ऑड लीड के मिश्रण में कौन सा मिश्र धातु बनता है, तो फ्यूज स्टार बनता है टीन ऑड लीड के मिश्रण से। उसके बाद चंद्रकांता का लेखक कौन है, तो देवकी नंदन है चंद्रकांता का लेखक। और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो महालनोबिस योजना पर आधारित है दूसरी पंचवर्षीय योजना। अस्थायी बंदोबस्त कब आया था भारत, तो 22 मार्च 1793 को आया था। उसके बाद देखिएगा सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो महाधमनी है। हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विच कंट्री लॉन्च इको फ्रेंडली मिसाइल इसरो हो जाएगा 2020 में, कौन सा सीजन खेला गया था आईपीएल का, तो 13वां सीजन खेला गया था। उसके बाद भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू है। फर्स्ट डोमेन रजिस्टर कौन सा है, www हो जाएगा, symbolic.com हो जाएगा। फुल नेम ऑफ लैन लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, फुल फॉर्म ऑफ लैन हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। शिमला समझौता किनके बीच में हुआ था, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। कौन सा समझौता, शिमला समझौता। लावणी नृत्य का संबंध किसके साथ है, तो महाराष्ट्र के साथ है लावणी नृत्य का संबंध। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है, CaO हो जाएगा, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम। दूरी का सबसे बड़ा इकाई क्या है, गीगा पार्सिक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। मानुषी सिल्लर का संबंध किस राज्य के साथ है, तो हरियाणा के साथ है शायद, और इनको चीन में मिला था मिस यूनिवर्स का खिताब, ठीक है ना, मानुषी सिल्लर 2017 में शायद मिला था इनको। आगे देखिएगा 1960 में सिंधु जल संधि पर मतलब जो समझौता हुआ था, कहाँ हुआ था, कराची में हुआ था। आगे देखिएगा इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है, गर्टरूड कैरोलिन एड रेले, ठीक है। आगे देखिएगा गुर्दे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मेघ विज्ञान कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। रॉयल कलर इस्पात संयंत्र किस देश में के सहयोग से की गई थी, तो जर्मनी के सहयोग से की गई थी। उसके बाद आधुनिक अर्थव्यवस्था के जन्मदाता कौन है, सैम्यूलसन है, ठीक है। आगे देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना किसने लॉन्च की थी, तो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा मतलब जल मरुमध्य है, तो पाक। आगे देखिएगा पाक जल मरुमध्य। पारा किसके द्वारा खोजा गया था, तो गैलीलियो के द्वारा के मरकरी खोजा गया था। डेंगू एक मध्य आकार का क्या लिखा है, डुगोंग क्या है, तो एक मध्य आकार का समुद्री स्तनधारी प्राणी है जो कि विश्व के कई भागों में समुद्री तटों के क्षेत्र में जल में पाया जाता है, ठीक है, ये पूछा गया था डुगोंग क्या है। आगे देखिएगा फुल फॉर्म ऑफ कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये एक बार और पूछा जा सकता है, दूसरी बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। आगे देखिएगा मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन 2018 गुड़गांव है, ये भी पूछा गया था, गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, अब गुरुग्राम हो गया। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है, मनप्रीत सिंह है। और महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है, तो रानी रामपाल है। पेंसिलिन की खोज कब हुई थी, तो 1928 में हुई थी। स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेंसिलिन की खोज। आगे देखिएगा लुईस पास्टर ने 1885 में 6 जुलाई के दिन रेबीज के टीके का सफल परीक्षण किया था लुईस पास्टर ने। आगे देखिए बायोफ्राइटा वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है, इसके अंतर्गत सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवहन ऊतक नहीं होते हैं, जैसे ठीक है। बायोफ्राइटा क्या है, तो ये एक उभयचर किस्म का है जो कि पानी में भी रह सकता है जमीन में भी रह सकता है, तो इसी तरह का ये क्वेश्चन पूछा गया था केवल। आगे देखिएगा अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ है। बिल गेट्स अपने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का नाम क्या रखना चाहते थे, तो इंटरफेस मैनेजर रखना चाहते थे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का, बिल गेट्स से ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रखना चाहते थे। स्वदेशी आंदोलन में कौन से गरम दल के नेता ने भाग नहीं लिया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भाग नहीं लिया था। परमाणु ऊर्जा के पिता किसको बुलाया जाता है, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को बुलाया जाता है। दो समान रूप से मिले द्रव्य को क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है। राहुल गांधी लोकसभा में कहां के सांसद थे, तो केरल के वायनाड के सांसद थे। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां स्थित है, तो आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में स्थित है। इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस राइटर कौन है, तो GAC कुमारप्पा है। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने से क्या बनता है, तो लैक्टिक एसिड बनता है। उसके बाद स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता संग्राम किस युद्ध के बाद शुरू हुई थी, तो 1857 के बाद शुरू हुई थी। आगे देखिएगा
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से बनाया गया था? तो सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। 2019 में कौन सा चक्रवात गल्फ ऑफ थाईलैंड में आया था? तो पाबुक आया था। ठीक है, आगे देखिएगा। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। द लिमिट ऑफ ग्रोथ कब प्रकाशित हुई थी? तो 1972 में प्रकाशित हुई थी। इस बार डेट बहुत पूछा जा रहा है। उड़ान क्या है? तो उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश के आम नागरिक। ठीक है, ये पूछा गया था। और इसमें क्या था कि 2500 रुपये में एक घंटे में, मतलब एक घंटे का फ्लाइट का टिकट जो होगा 2500 रुपये में होगा। ठीक है ना, दो घंटे का हो जाएगा 5000, ऐसे कुछ था इसमें उड़ान में। आगे देखिए, दलहनों और फली वाली फसलों के में से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। मतलब मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए दलहन और फली वाले फसलों का यूज करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिएगा, न्यूयॉर्क के मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती लड़ने वाला पहला भारतीय कौन था? तो बजरंग पुनिया थे। आगे देखिएगा, भारत द्वारा किस सीमा पर न्यूनतम कीमत स्थापित करना क्या कहलाता है? तो प्राइस फ्लोर कहलाता है। न्यूनतम सीमा स्थापित करना किसी भी सीमा पर। आगे, भारतीय वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मेजरमेंट की जाती है? तो बैरोमीटर के द्वारा मेजरमेंट की जाती है। व्हाट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? तो नेफ्रॉन होता है। आर्द्र भूमि कृषि को क्या कहते हैं? तो आर्द्र भूमि वेटलैंड एक ऐसा भूभाग होता है जहां परितंत्र भरा हिस्सा होता है। ठीक है, आर्द्र भूमि वेटलैंड क्या होता है? हिस्सा होता है जहां स्थायी रूप से प्रतिवर्ष किसी भी मौसम में जल संतृप्त सैचुरेटेड हो, मतलब जमा हो और उसमें डूबा रहे, ऐसे क्षेत्रों को जलीय पौधा वहां बहुत होते हैं। आर्द्र भूमि का मतलब मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, हमेशा गीला रहेगा, वेटलैंड रहेगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, मैंने 10 तारीख के सभी क्वेश्चन को करवा दिया। अब देखते हैं 11 जनवरी 2021 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के 80 क्वेश्चन। अभी भी 11, 12, 13 मतलब 240 क्वेश्चन दोस्तों अभी भी मुझे कहना है यहाँ पे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी मेहनत को प्लीज सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द फादर ऑफ दादा साहब फाल्के? फादर ऑफ सिनेमा कौन है? दादा साहब फाल्के है। राणा कपूर टेम्पल कहाँ पे है? रनकपुर टेम्पल कहाँ पे? राजस्थान में। मोटेरा स्टेडियम कहाँ पे? तो गुजरात में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLR? सैचुरेटरी लिक्विड रेशियो। PM ऑफ नेपाल केपी ओली, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन? तो 6 होता है ना शायद कार्बन का वैलेंसी, आप लोग देख लीजिएगा, वैलेंसी निकाल लीजिएगा। टेट्रा वैलेंसी ऑप्शन में होगा तो उसको भी लगा सकते हैं। आगे देखिएगा, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन? CH4 होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ सल्क लाइम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल 2 होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैब? सिटीजनशिप एवेंडन एक्ट बिल होता है। उसके बाद देखिएगा, वन क्वेश्चन रिलेटेड NPR, NPR का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है। 2018 एशियन गेम में किस भारतीय ध्वज धारक कौन थे? तो नीरज चोपड़ा थे, जेवलिन थ्रोवर एक। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब 2020 से किसने जीता? तो 21 वर्षीय सोफिया कैनिन ने जीता। उसके बाद देखिएगा, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो 29 जुलाई 1957 में मुख्यालय वियना में हुई थी। पलासी का युद्ध सिराज उल्ला ने कब लाया था? 1757 में, मतलब पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, 1757 प्लासी का युद्ध, याद रखिएगा। इंपीरियल बैंक का नाम किस वर्ष स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया? तो 1955 में। आगे देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका ने महान महात्मा गांधी को बनाया, यह वाक्य किसने कहा था? तो अब्दुल्ला ने कहा था। उत्तराखंड और झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो 2000 में हुई थी। रक्त क्या है? तो आप लोग से पूछा गया था, रक्त ब्लड का मानव शरीर की संचरण करने वाला तरल पदार्थ होता है जो सिराओं के द्वारा हृदय में जमा होती है और धमनियों द्वारा पुनः हृदय से संपूर्ण शरीर में प्रसरित होती है। ठीक है, तो रक्त समझ में आ गया होगा। रक्त में प्लाज्मा 55% होता है, ब्लड कैप्सूल होता है 45% होता है। रक्त के विभिन्न अवयव कौन होता है? रक्त पाए जाते हैं, प्लाज्मा पाए जाते हैं, लाल रेड ब्लड सेल पाया जाता है, व्हाइट ब्लड सेल पाया जाता है, प्ले प्ले
प्लेटस पाया जाता है इसमें, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएलआर, एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अभी मैंने बताया था। सांची स्तूप कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, भोपाल में शायद। माउंट ब्लू माउंटेन मतलब नीलगिरी के पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है, जो कि केरल कर्नाटक में स्थित है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 12 नवंबर 1930 को हुआ था। आगे देखिएगा, सहायक संधि किसके की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड वेलिजली ने की थी। जॉर्ज पेंसम का स्वागत भारत में किस शैली से किया जाता है, तो वस्तुकला शैली से किया जाता है। Which manage in computer, arithmetic and logical unit, microprocessor होता है। Which one not e-shopping website, to Twitter क्या है, e-shopping website नहीं है, इस पर कोई shopping नहीं कर सकते। Social networking website होता है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, स्वतंत्र पार्टी 1957 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी राजगोपालचारी, जो कि भारत रत्न भी थे। आगे देखिएगा, केंद्र और राज्य के बीच अच्छा संबंध बनाने के लिए कौन सा आर्टिकल के बारे में दिया गया, तो आर्टिकल 263 में बताया गया है। आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1990 में हुआ था। ऑयल लैंप किस सिद्धांत पे काम करता है, तो कैपिलरी के काम पे काम करता है, जो मिट्टी का तेल होता है लैंप में ऊपर चढ़ता है ना एक कपड़े के जरिए, तो आप लोग जानते होंगे। आगे देखिएगा, आई जो एडजस्ट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, एडॉप्शन के द्वारा किया जाता है, उसे एडॉप्शन बोला जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ माई मदर एट 66, तो कमला दास इसकी लेखक है माई मदर एट 66 की। आगे देखिएगा, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल। आगे देखिएगा, मॉडर्न यहां देखिएगा, मॉडर्न जनरेटर बेस्ड, जो मॉडर्न जनरेटर है वो किस पे बेस्ड होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के इंडक्शन पे बेस्ड होता है मॉडर्न जनरेटर। यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया है, उसको मैं कंट्रोल जेड, ठीक है। आगे देखिएगा, गन्ना का पौधा किससे रसायन ऊर्जा प्राप्त परिवर्तित करता है, तो सूर्य का प्रकाश से। टोटल रामसर साइट इंडिया में कितने हैं, तो 42 है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो गाय है। आगे, बानकी मून संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव बने दक्षिण कोरिया में। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय राज्य आपातकाल का उल्लेख किस आर्टिकल में किया जाता है, तो 356 में किया जाता है। चिकनकारी कहां से संबंधित है, तो लखनऊ से संबंधित है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन राजगोपालचारी और वेंकटरमन है, चंद्रशेखर वेंकटरमन। तो तीन लोगों को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। रनकपुर मंदिर कहाँ पे है, तो अभी मैंने बताया राजस्थान में। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, तो खड़क प्रसाद ओली है, पहले रिपीट हो चुका है। ईईपी रोम का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है, ठीक है। ये आगे देखिएगा, दवा टाइगर के लेखक कौन है, ठीक है, कुछ देख लीजिएगा, व्हाइट टाइगर होगा, अरविंद अडिगा। आगे देखिएगा, भारत में किस तिथि को विमुद्रीकरण हुआ था, मतलब नोटबंदी हुआ था, तो 8 नवंबर 2016, ये कोई भी नहीं भूल सकता है, बहुत ज्यादा तकलीफ सभी को उठाना पड़ा था। आगे देखिएगा, एप्पल के संस्थापक कौन है, स्टीव जॉब्स है, 1976 में इसकी स्थापना की थी। आपातकाल की घोषणा कब की जाती है, आपातकाल की घोषणा किस प्रकार की जाती है, तो ये पूछा गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी का संचालन कौन करता है, तो IRDA करता है। पहाड़ी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सड़कों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। बार्क का पुराना नाम क्या है, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट है बार्क का पुराना नाम। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रूलीप गार्डन कहाँ स्थित है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO का हेडक्वार्टर पूछा गया है। फुल फॉर्म ऑफ PSLV पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। आगे देखिएगा, चाय और कॉफी किस प्रकार की फसल है, तो नगदी फसल है, कॉमर्शियल फसल है, कॉमर्शियल क्रॉप है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, कॉमर्शियल होगा। आगे देखिएगा, विश्व में रेगिस्तान संयोजन और सूखा किस दिन मनाया जाता है, तो 17 जून को मनाया जाता है। आगे देखिएगा, मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी दिया होगा तो सही है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, तो विटीकल्चर बोला जाता है। जनगण मन किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, तो 1911 27 दिसंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में बांग्ला और हिंदी भाषा में इसे गाया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-1956 हो गया। भारत में कौन सा रेगिस्तान नहीं है, तो सिंधु घाटी रेगिस्तान भारत में नहीं है।
उस मच्छर का नाम जिसे डेंगू फैलती है तो वायरस एडीज मादा एडीज कुछ मच्छर होती है उसका मैंने पहले भी बताया था इस क्वेश्चन के बारे में इसी वीडियो में। आगे देखिएगा बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड किसको मिला तो पैरासाइट को मिला ऑस्कर में। आगे देखिएगा ये दक्षिण कोरिया की फिल्म है। आगे देखिएगा सर्व शिक्षा अभियान के अनुसार बच्चों की आयु कितनी होनी चाहिए तो 6 से 14 वर्ष की आयु होनी चाहिए चाहिए सर्व शिक्षा अभियान के लिए। आगे देखिएगा फुल फॉर्म ऑफ फॉर्टेन फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है इनमें से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है तो रायपुर हो जाएगा। रेगिस्तान में प्रतिबिंब ब्रह्म को किस नाम से जाना जाता है तो मरीचिका के नाम से जाना जाता है। दुनिया में सबसे लंबा पेड़ कौन सा है तो रेडवुड नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में है। उसके बाद देखिएगा कृषि वनस्पति और आपदा के लिए कौन सा उपग्रह को लॉन्च किया गया था तो EOS-01 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। आगे देखिए हु गॉट नोबेल पीस प्राइज 2020 तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। आगे देखिएगा स्टडी ऑफ फंगी तो माइकोलॉजी ठीक है स्टडी ऑफ फंगी। आगे देखिएगा विच गार्डन बिल्ट इन दी मेमोरी ऑफ इंदिरा गांधी तो ये पूछा गया आपसे। कामाख्या टेम्पल कहाँ पे है तो असम में। उसके बाद देखिएगा ये राजस्थान में मैंने शायद बताया है रणथंभौर टाइगर राजस्थान रिजर्व जो है ना तो राजस्थान में। इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट हु रॉट शकुंतला बुक कौन लिखा है कालिदास लिखे हैं। पीपीएफ का फुल फॉर्म पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। उसके बाद व्हाट इज द कैपिटल ऑफ क्रोएशिया का कैपिटल पूछा गया है जैग्रेब ठीक है देख लीजिएगा। क्रोएशिया फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पूछा था 2018 में। आगे देखिएगा पिनाका क्या है तो पिनाका रॉकेट लॉन्चर है। सेल वेयर डिस्कवर बाई रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था डिस्कवरी ऑफ सेल 1655 में। हु डिस्कवर द फर्स्ट लिविंग सेल तो यही क्वेश्चन को रिपीट किया गया रॉबर्ट हुक वाले क्वेश्चन को। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद कांजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड कहाँ पे है तो ये पूछा गया था कमेंट करके आप लोग बताइएगा सभी को पता होगा। आगे देखिएगा सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ था 1761 में शायद तीसरा हुआ था 1526 में दूसरे पहला हुआ था ठीक है ना। आगे देखिए अकबर हेमू बाबर इब्राहिम लोदी और थर्ड वाला मुझे याद नहीं है 1761 में बट हुआ था पूछा जा सकता है कि कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है के और इस बार ध्यान दीजिएगा डेट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही पूछा जा रहा है आपसे। आगे देखिएगा अब है ये 12 जनवरी का सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन अब 160 क्वेश्चन बाकी है दोस्तों। देखिएगा सिरिस्का बाघ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है तो यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। बुकर प्राइज से सम्मानित होने वाले सबसे युवा भारतीय कौन है तो अरुंधति रॉय है। शायद गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। मोपला विद्रोह कब हुआ था तो 1921 में हुआ था और मुसलमानों द्वारा स्थानीय जमींदारों के मतलब मुसलमानों द्वारा ये विरोध किया गया था। आगे देखिएगा भारत में जल क्रांति की शुरुआत कब हुई थी तो 2015 में हुई थी। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी तो सर विलियम्स जोन्स ने 1784 में की थी 15 जनवरी। पंचायत में सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था 1739 में किया था। जलमार्ग वन की लंबाई कितनी है तो 1620 किलोमीटर है। आगे देखिएगा फुल फॉर्म ऑफ MRTP क्या होता है तो यहाँ देख लीजिएगा कि फुल फॉर्म क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मोनो पॉलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस अंडर ठीक है 1969 तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अजंता की गुफा कहाँ स्थित है तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है तो सुमित्रा महाजन होगा। आगे देखिएगा सूर्य मंदिर अभी है कौन ओम बिरला है। आगे देखिएगा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है तो कोणार के उड़ीसा में स्थित है। बहुरूपी गांधी के लेखक किसे कौन है तो अनुबद्धोपाध्याय और नेहरू जी
आगे देखिएगा, मेक्सिको का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया, तो पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को दिया गया। अंटार्कटिक में इसरो द्वारा कौन सा रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया, तो भारतीय 2012 को स्थापित किया गया। आगे देखिएगा, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना कब की गई, तो 1976 में की गई। जानवरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान जूलॉजी कहा जाता है। हेडक्वार्टर ऑफ WTO क्या कहलाता है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड कहलाता है। कंट्रोल प्लस में भी क्या होता है, तो पेस्ट होता है। उसके बाद गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था, तो 15 अप्रैल 1469 को भुई की तलवंडी में हुआ था। वर्तमान में नानक साहब पंजाब के पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, 1469 याद रखिएगा, ठीक है, कहाँ हुआ था, तलमंडी में हुआ था, ये याद रखिएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे जॉर्ज पंचम भारत कब आए थे, तो शायद 1911-12 में आए थे, उनके लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था जब आए थे, तो ठीक है उस समय। आगे देखिएगा, विच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो यूजर और सिस्टम के बीच इंटरफेस करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, जैसे विंडोज हो गया, डॉस हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है। दोनों सदनों के में बिल पास करने के बाद किसके पास जाता है, तो राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है, फाइनल बिल जो पास होने जाता है राष्ट्रपति के पास जाता है। रूस ने भारत में प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द स्पोटल से सम्मानित किया, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, रूस ने सम्मानित किया, ये पूछा गया। आगे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे अच्छे से। अब देखिए, यूनेस्को कहाँ पे, तो यूनेस्को है पेरिस में, जो कि फ्रांस में है। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये पूछा जा सकता है। WWWC का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब W3C का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टिज में, ठीक है, देख लीजिएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है, अप्सरा है। 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, अप्सरा की। मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान कहा जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो विलियम्स जोन्स 1784 में की थी। USSR के सदस्य कौन है, तो 15 हो जाएंगे, USSR के सदस्य हो जाएंगे 15। ये सदस्य को देख लीजिएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें ये सदस्य को देख लीजिएगा। हम्पी को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया, तो 14th century में शामिल किया गया था। बुकर पुरस्कार 14th सेंचुरी मतलब 1300 में। आगे देखिएगा, बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है, तो ये देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, हम्पी वाला जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा, ये कर्नाटक में है, ये गलत भी हो सकता है, इसको एक बार आप लोग गूगल करके देखिएगा। बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है, तो सुगी बैन है। कंट्रोल प्लस में ए क्या होता है, एक्सेल में जब मान लीजिए जो भी आप डेटा बनाया उसको सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल ए डालिए, तो जो भी डेटा आपका है केवल उसी को सेलेक्ट किया जाएगा। आगे देखिएगा, हु इन्वेंटेड मर्करी थर्मामीटर, तो डेनियल फारेनहाइट ने इसको इन्वेंट किया था, इसलिए शायद फारेनहाइट यूज किया जाता है। आगे देखिएगा, संवाद विद स्टूडेंट किसके लेखक कौन है, संवाद विद स्टूडेंट को किसने लॉन्च किया, इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, सौभाग्य योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो विद्युत मंत्रालय द्वारा सौभाग्य योजना को लॉन्च किया गया। सीमा सुरक्षा संगठन का गठन किस वर्ष हुआ, तो 7 मई 1960 में हुआ। ऑक्सीजन का मानव शरीर में किसके साथ उच्च बंधुता होती है, तो रुधिर वर्णिका या हीमोग्लोबिन के साथ है। अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो लॉर्ड कर्नवालिस से द्वारा 22 मार्च 1793 में। अरुंधति राय किस पुस्तक के लिए बुखार अवार्ड बुकर अवार्ड से सम्मानित की गई, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। उसके बाद देखिए, अछूत के लेखक कौन है, तो मुल्क राज आनंद है। मनोरा के किला किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने। फुल फॉर्म ऑफ गैट का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ऑन ट्रैफिक ट्रेड होता है। 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वशासी संस्था है, जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव से मिटाने के लिए प्रतिरोध करने एवं हर साल के मानव अधिकार के लिए लड़ना बताती है। इस संस्था की स्थापना ब्रिटेन में 1961 में की गई थी। ठीक है, आगे देखिए, भारत में बॉक्साइट उत्पादन कहाँ होता है, तो बॉक्साइट उत्पादन भारत में उड़ीसा झारखंड में किया होता है।
सबसे ज्यादा शायद उड़ीसा में होता है, ठीक है, यही पूछा गया था। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में भी होता है। हरियाणा की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ हो जाएगी। द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है। डॉट कॉम क्या है? तो कमर्शियल होता है, डॉट कॉम का मतलब है। छत्तीसगढ़ के में किस स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी? तो भिलाई स्टील प्लांट 1955 रशिया में। प्लांट ग्रोथ इज मेजर बाई विच, कौन से डिवाइस से प्लांट के ग्रोथ को मेजर किया जाता है? तो डिवाइस से ये देख लीजिएगा, ऑक्सोनोमीटर से। आगे देखिएगा, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है, ये किसमें बताया गया है? तो आर्टिकल 153 में बताया गया है, ठीक है, आर्टिकल 153 में इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा लीग ऑफ नेशन किसके द्वारा, आर्टिकल 155 होगा या 153 होगा? 153 के हिसाब से देश में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए, यह बताया गया है। लीग ऑफ नेशन किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो यूएनओ के द्वारा लीग ऑफ नेशन स्थापित किया गया है। किस राज्य में अधिकतम जूट मिल है? तो पश्चिम बंगाल में है। काकोरी कांड कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। उसके बाद इटली की राजधानी क्या है? तो रोम है। ध्वनि की एसआई यूनिट क्या है? तो डेसिबल हो जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। नियम जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। लैक्टिक एसिड में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो 6 अणु होते हैं। बिफोर एसटीपी डब्ल्यूडब्ल्यू को पहले क्या लिखा होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब एसटीपी लिखा होता है। पाकिस्तान की मांग किसने की थी? तो रहमत अली ने की थी। बीज के अंकुरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सीड से जर्मिनेशन कहते हैं। कॉटन इंडस्ट्री कहां स्थित है? तो कोटा जयपुर में स्थित है, ये देख लीजिएगा, शायद जयपुर इस क्वेश्चन का आंसर था। आगे देखिएगा भारत की नई न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ कौन सी है? तो गुजरात में स्थित काकरपार संयंत्र है नई न्यूक्लियर पावर प्लांट। विलियम जॉन्स भारत क्यों आए थे? वो भारत की कला संस्कृति को के बारे में जानकारी लेने के लिए आए थे। 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना उन्होंने की थी, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिएगा, कजरी नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? तो यूपी से संबंधित है। नवीनतम स्टील प्लांट कौन सी है? तो ये 5 है ना शायद, तो बोकारो वाला अंतिम है, बोकारो स्टील प्लांट। आगे देखिएगा, न्यू ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन है? तो रजत शर्मा है, ये भी पूछा गया। और इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ क्योंकि बहुत छोटा है, आप लोगों को देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो 11 साइज। अब आगे देखिएगा, फ्रांसिस बुकन एक चिकित्सक थे जो भारत आया और बंगाल के सेवा में, मतलब इसके बारे में पूछा गया कि ये क्या थे। आगे, हु इज कॉल्ड मिल्कमैन ऑफ इंडिया? वर्जिन कुरियन को बोला जाता था। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है? तो पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। पोखरण 1998 हो गया। सुपुत्र ऑरिजिन रिवर देख लीजिएगा, संग इस नदी का नाम देख लीजिएगा सरप गंगा, ठीक है, सतपुरा है, सॉरी बहुत क्वेश्चन हो गया ना, तो बोलने में थोड़ा गलती हो जा रहा है क्योंकि एक साथ इतने क्वेश्चन बोलना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, ठीक है। तो ये कहाँ पे, इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप थोड़ा देख लीजिएगा। हु इज द फर्स्ट वुमेन आईसीसी मैच रेफरी? तो जीएस लक्ष्मी है, तो ये पूछा गया, मतलब आईसीसी मैच रेफरी में कौन पहली भारतीय महिला है? तो जीएस लक्ष्मी। हाउ मेनी टाइम्स इंडिया गोस फाइनल इन 50 ओवर वनडे मैच में? 50 ओवर के जो विश्व कप होता है उसमें कितनी बार भारत फाइनल खेला है? तो पहली बार तो कपिल देव की कप्तानी में 1983 में, दूसरी बार 2003 में सौरव गांगुली की कप्तानी में जिसमें ऑस्ट्रेलिया से इंडिया हार गया था 125 रनों से, तीसरी बार भारत श्रीलंका 2011 मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। 2003 का जो फाइनल खेला गया था जोहान्सबर्ग में खेला गया था, और 1983 का जो फाइनल खेला गया था लॉर्ड्स में खेला गया था जो कि इंग्लैंड में खेला गया था, वेस्ट इंडीज को भारत ने हराया था, शायद 46 रनों से हराया था। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे पूछा गया इन विच ईयर वोटिंग एज वॉज रिड्यूस फ्रॉम 21 से 18 कब किया गया वोटिंग की एज को? तो 1988 में किया गया, ठीक है, और शायद 61वां संविधान संशोधन था ये। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, यही पूछा गया था शायद 61वां संविधान संशोधन के बारे में कि क्या है, ठीक है। तो वोटिंग एज को घटाया गया था उस समय। विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं आता है? तो राज्य की विधानसभा और विधान परिषद जो होता है ना वो संसद के अंदर नहीं आता, ये पूछा गया, संसद के अधीन कौन नहीं आता है। वेन डिड
नीति आयोग एस्टैब्लिश, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी तो 2015 में। आगे आधार कार्ड कौन इशू करता है तो UIDAI, आप लोग आधार कार्ड लेके जाते हैं वहां पे लिखा रहता है, उसका फुल फॉर्म भी होगा उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यही पूछा गया था आधार कार्ड कौन इशू करता है। सोलर एनर्जी क्या होता है तो ये पूछा गया। उसके बाद व्हेन और वेयर वाज फर्स्ट C++ डेवलप्ड है तो 1980 में इसको बनाया गया था। और बर्ज क्या लिखा हुआ देखिएगा, बर्ज ने स्ट्रॉस जो भी लिखा है देख लीजिएगा, ये नाम देख लीजिएगा, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS, DMS, DMS का होता है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। व्हेन वाज UNO एस्टैब्लिश्ड, 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया में। भूपेन हजारिका कहाँ के निवासी है तो असम के निवासी है। WHO मुख्यालय का मुख्यालय कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, नेहरू जी ने की थी। GD रोड किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इनमें से कौन सा सांसद का अंग नहीं है तो विधानसभा हो जाएगा, संसद का अंग नहीं है। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था तो 16 अक्टूबर अकबर ने बनवाया था। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है तो गुजरात में स्थित है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है तो यहाँ देखिएगा ग्रीक थियोफ्रेस्टम है। आगे देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था तो आइंस्टीन 1905 में दिया था। उसके बाद देखिएगा, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो बेंगलुरु में है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में है। उसके बाद देखिएगा, मामलों के मसालों का शहर कौन है तो कोलकाता हो जाएगा। 0 माइलस्टोन कहाँ स्थित है तो महाराष्ट्र के नागपुर में। ग्राम गंगा ग्राम योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। 23 दिसंबर मतलब पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी तो 1 से 13 जनवरी यहाँ देखिएगा, स्वराज्य पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। और यहाँ देखिएगा 1923 में हुई थी, 1 जनवरी 1923। आगे देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन से अर्थशास्त्री शामिल थे ये पूछा गया था। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। किस प्रणाली में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण में होता है तो ये पूछा गया था। उसके बाद देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। आगे देखिएगा, भील का भी स्टैब्लिश हुआ था तो 1964 में हुआ था। बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन होते हैं तो सलीम अली होते हैं, ठीक है, बर्डमैन ऑफ इंडिया। आगे देखिएगा, मार्वल सिटी किसको बोला जाता है तो किशनगढ़ को बोला जाता है जो कि राजस्थान में है, मार्वल सिटी। आगे देखिएगा, मैं थोड़ा